जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्पावरिंग इंडिया डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे ये इंडियन आर्मी और जो स्टेट पुलिस होता है इसमें बार बार क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन कुछ करेंगे, ये बार बार ऐसे क्वेश्चन आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, सेम यही क्वेश्चन आता है दोस्तों। ओके, तो डेली जैसे प्रैक्टिस करते हैं हमारे चैनल में, हम मैथ साइंस और जीके की तैयारी करते हैं हर डिफेंस एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली आर्मी और पुलिस वगैरह के लिए। तो आप यदि तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है दोस्तों, दो ट्यूब एक टैंक को, एक टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में पूरा करते हैं। ओके, दो टैब रहता है एक टंकी में, एक टैब क्या करता है 10 घंटे में पूरा करता है और एक टैब 15 घंटे में पूरा करते हैं। ओके, दोनों टैब मिलकर पूरा टंकी को कितना समय में पूरा करेंगे। ओके, तो जो टंकी है दोस्तों, एक टंकी है उसमें ए जो टैब लगा है ए करता है दोस्तों 10 घंटा में करता है, और बी को यदि छोड़ा जाए, वो छोटा टैब रहता है थोड़ा पतला सा, वो 15 घंटा टाइम लगाता है। ओके, तो अलग अलग से टंकी को भरते हैं 10 घंटा, और ये लेता है बी को अकेला छोड़, बी को खोला जाएगा तो 15 घंटा और ए को खोला जाएगा तो 10 घंटे में पूरा करेंगे। बट अभी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, दोनों टैब मिलकर पूरा टंकी को कितना समय में पूरा करेंगे। ओके, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है, टू टैब कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर रेस्पेक्टिवली, फाइंड आउट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक व्हेन बोथ टैब्स आर टर्न ऑन साइमल्टेनियसली। दोस्तों, आर्मी में इंग्लिश में और हिंदी में क्वेश्चन पूछता है, तो आपको रिक्वेस्ट में, जो इंग्लिश नहीं समझ पाते आप जीके साइंस इंग्लिश समझ लेंगे, बट मैथ में थोड़ा इंग्लिश समझने के लिए आपको दिक्कत है, तो हिंदी में आप अभी प्रैक्टिस करिए, हिंदी में क्वेश्चन पढ़िए ताकि मैथ सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन समझ पाएंगे तो आपका मैथ भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये बहुत इजी है। तो अभी क्वेश्चन बोला है ए करता है 10 घंटे में अकेला, बी करता है 15 घंटे में अकेला, तो दोनों मिलके कितने समय में करेंगे। ओके, तो हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोस्तों, सॉरी यार, ए वन टैंक वो कितना घंटे में 10 आवर में पूरा करता है। ओके, और 1 आवर में कितना करेगा वो, यदि एक टैंक को 10 आवर में पूरा करता है, 10 घंटे में पूरा करता है, एक घंटे में कितना करेगा, यहाँ 10 आवर के साथ गुणा हुआ है, तो ये इक्वल टू सिंबल है, इक्वल टू का लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/10 टैंक हो जाएगा। 1/10 टैंक का मतलब क्या है दोस्तों, 1/10 का मतलब क्या होता है, मतलब टैंक का वो 10 भाग पूरा कर पाएगा, मतलब टैंक सपोज इतना है, टैंक को 10 भाग करेंगे तो वो एक भाग, इतना ही भाग पानी भर पाएगा एक घंटे में। ओके, सेम ऐसे ही दोस्तों बी के साथ भी ऐसे ही है, बी क्या करता है दोस्तों, बी वन टैंक को कितने घंटे में, 15 घंटे में पूरा करता है, तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/15 टैंक पूरा करेगा, मतलब एक घंटे में वो टैंक को यदि 15 भाग किया जाए, 15 पीस किया जाए लेवल में, तो उसका 1 भाग ही पूरा करेगा, और 1/15 मतलब 15 भाग करेंगे तो उसको 1 भाग पूरा करेगा एक घंटे में। ओके, एक घंटे में टैंक का 15 भाग मतलब 15 भाग से 1 भाग पूरा करेगा। ओके, तो अभी देखिए इसमें ए एक घंटे में टैंक का 1/10 भाग पूरा करता है, और बी उसी टैंक को एक घंटे में 1/15 भाग पूरा करता है, तो दोनों मिलके एक घंटे में कितना पूरा करेंगे दोस्तों, दोनों को छोड़ा जाए एक घंटे के लिए, दोनों को छोड़ा जाए तो कितना करेंगे दोस्तों, देखो ए
एंड बी 1 आवर में। टैंक का कितना भाग पूरा करेंगे? ए करता है एक आवर में 1/10, और ये कितना करता है 1/15। दोनों को मिलाएंगे ना तो प्लस सिंबल देंगे, तो दोनों को मिला दिया तो 1/10 1/15, इसको हम अभी क्या इसको हम प्लस कर देंगे अभी इसको। ओके तो 1/10 और 1/15 तो आप मिला दोगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 और 5 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया 150, और यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा और यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा इधर देख दूंगा 15, और ये प्लस का सिंबल है इधर प्लस लगा दिया, 10 को एक के साथ गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 25/150। ओके 25 के 25 2500 150 कितना हो गया 1/6, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलके एक आवर में एक घंटे में टैंक का कितना भाग पूरा करते हैं 1/6 भाग पूरा करते हैं, 1/6 टैंक पूरा करते हैं। ओके तो अभी दोस्तों एक टैंक को कितना घंटे पूरा करेंगे, एक टैंक को यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, सॉरी तो एक ए प्लस बी एक घंटे में टैंक का 1/6 भाग पूरा करते हैं, तो एक टैंक को पूरा करने के लिए कितना घंटा लगेगा, इधर वन आवर था ना, ये वन बाई सिक्स इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/6 डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 आवर हो जाएगा। ओके एक टैंक को पूरा करने में कितना घंटा लगेगा, दोनों को 6 आवर लगेगा। ओके ये क्वेश्चन समझ पाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस करना, और यदि कोई आपका क्वेश्चन आपको बन रहा है, बंदे हमारे उड़ीसा फॉरेस्ट गार्ड में एग्जाम दे रहे हैं, जो उड़ीसा फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, ओके और आर्मी का क्वेश्चन सेम आता है, उड़ीसा पुलिस OISF जो होता है, ओके या डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो होता है उसका क्वेश्चन भी आर्मी का बराबर आता है, आपको कोई डाउट है मैथ का क्वेश्चन तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है इसमें आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, या इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो मैथ का वीडियो बना दूंगा अगले लेक्चर में। ओके तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो इसमें हो गया दोस्तों, फर्स्ट मैं बताया आपको ए एक टैंक को एक घंटे में कितना पूरा करेगा, एक घंटे में 1/10, और बी उसी टैंक को कितना करेगा 1/15 1/15, तो दोनों मिल गए तो दोनों मिल गए तो एक घंटे में टैंक का 1/6 भाग पूरा करेंगे, तो एक घंटे एक टैंक को पूरा करने के क्या करेंगे, तो 1/6 इधर था ये जो इक्वल टू सिंबल था तो इसका लेफ्ट साइड में हो गया, तो लेफ्ट साइड हो गया तो इधर डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 आवर। ओके वन टैंक 6 घंटा लेगा। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों सॉल्व द इक्वेशन 2.9 × 7.05 × √256 ओके 256/4 का स्क्वायर ये क्वेश्चन है दोस्तों। ओके तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा दोस्तों, 256 का स्क्वायर रूट दोस्तों 16 होगा, कितना होगा 16। ओके मैं आपके लिए कर देता हूँ इधर, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ 200, ये स्क्वायर रूट ऑफ 256 दिया था,
इसको काट के मैं लिख दूंगा इसका नेक्स्ट स्टेप में, ओके सेकंड स्टेप में इधर लिख दूंगा मैं 16, ओके 16 लिख दूंगा, नहीं तो आपके लिए डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इसको, ओके 250 इधर लिखा है क्वेश्चन में, इसको रहने दीजिए। तो इसमें मैं लिखता हूँ नेक्स्ट स्टेप में हमारा 2.9 × 7.05, ओके। और रूट ओवर था 250 का, 250 का रूट ओवर क्या होगा, 16 होगा। और नीचे था 4 का स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 गुणा हुआ, इधर मल्टीप्लाई है, इधर 16 कट जाएगा। अभी 2.9 और 7.50 को गुणा कर देना, कैसे होगा, 2 29/10 हो जाएगा। इधर 2.9 का मतलब जब इसको फ्रैक्शन में है तो इसको भग्नांश में करेंगे तो कितना होगा, 29/10, इधर इंटू इंटू आएगा, ये कितना हो जाएगा 7.05, मतलब ये जो फ्रैक्शन का सिंबल है, दशमलव का सिंबल है, ये हट जाएगा तो नीचे आएगा कितना, 1 में 2 0, ओके। कोई संख्या का दशमलव आप हटाएंगे, 29 का दशमलव हटाएंगे तो क्या वो लिखेंगे, 2.9 का दशमलव हटाएंगे तो कितना लिखेंगे, 29/10। सेम ऐसे ही 7.05 का दशमलव हटाएंगे तो 705/1 में उतना जीरो देना जितना दशमलव के बाद जितना संख्या था, दशमलव के बाद दो संख्या था तो एक में उतना जीरो दिया, ओके। तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना होगा उसका उतना आंसर है, ओके। प्लीज़ आंसर मेरे को बताना, आप कम यदि कोई बंदा देख रहा है इसको तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देना, दोनों का नीचे का 1000 हो जाएगा, ऊपर का मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 29 को 705 में मल्टीप्लाई कर देना, ओके। मैं आपको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसमें दोस्तों कितना हो जाएगा, 705/29 मल्टीप्लाई करूँगा ना, 9 5 45, 5 5 4, 9 0 0 4, 9 9 7 63, 4 67, ओके 2 5 10, 0 9 1, 2 0 0 1, 2 7 14, 4 को 1, 4 हुआ, कितना हो गया टोटल, 5 4 5 4 8 5 4 8, 0 9 1 2, 20,845, ओके। 29 को मैंने 29 को 705 में गुणा किया तो 20,845 निकला, और ये एक ये 10 को ये 100 में गुणा करेंगे तो 1000 निकलेगा, ओके, डिवाइडेड बाय 1000, ओके। कर दिया तो कितना होगा, अभी अभी एक जीरो के लिए एक संख्या कट जाएगा, एक जीरो के लिए एक संख्या कट जाएगा, एक जीरो के लिए एक संख्या, इधर मैं आपको लिख देता हूँ इसको मैं, ओके दोबारा से, हमको कितना मिला था दोस्तों, हमको मिला था 20,845 डिवाइडेड बाय 1000, ओके। इसको हम क्या करेंगे, इसको दशमिक में को चेंज करेंगे तो एक जीरो के लिए एक संख्या, एक जीरो के लिए एक संख्या, एक जीरो के लिए एक संख्या, कितना होगा, 20.845 होगा, ओके। तो इतना होगा 20.845 आ जाएगा इधर, ओके, इतना होगा हमारा आंसर।
ऐसे ही करना दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं, एक पेज में दो क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। बहुत इजी है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला हम करेंगे, दो संख्या का लॉन्सा मतलब दोस्तों एलसीएम, लॉसागु। ओके, दो संख्या का लॉसागु क्या हुआ है 1134, और दो संख्या का लॉसागु 1134 है, और दोनों का मानसा मतलब गौसागु या एचसीएफ बोलते हैं। ओके, एलसीएम हुआ 1134 और एचसीएफ हुआ 18, उनमें से एक संख्या, दोनों में से एक संख्या 162 है, दोनों में से एक संख्या क्या है 162 है, तो दूसरा संख्या ज्ञात करें। दूसरा संख्या कितना होगा बताइए, तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1134 एंड एचसीएफ इज 18, इफ वन नंबर इज 162 फाइंड आउट द अदर नंबर। दोस्तों ये बहुत इजी है क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों दो संख्या है, ओके दो संख्या है, दो संख्या का दोस्तों एलसीएम कितना है 1134, ओके इनटू दिया मैंने, और एक उसका एचसीएफ कितना है 18, और उसमें से एक संख्या कितना है दोस्तों 162 इनटू, और दूसरा संख्या है कितना पता नहीं। दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का एक सूत्र है दोस्तों, क्या है उसका सूत्र है, एलसीएम दो संख्या का एलसीएम जितना होगा और उसका एचसीएफ जितना होगा उसका संख्या दोनों का गुणा के साथ समान है। संख्या ए है, ओके, और एक संख्या बी है, दोनों को गुणा करना जितना होगा उनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणा करोगे सेम होगा बराबर। तो उसी सूत्र के हिसाब से मैं इधर लिखा हूँ, ये क्वेश्चन दिया था जैसे मैं इसे लिखा हूँ, एक संख्या का एलसीएम दिया है 1134, वो दूसरा संख्या का दिया है एचसीएफ दिया है 18, तो उनमें से एक संख्या है 162, ए हुआ 162, बी निकालो यानी एक कोई भी एक्स निकालो। ओके, बहुत ईजी है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो 11 इसमें क्या करेंगे हम, अभी x का वैल्यू निकालना है हमको, x का वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों एक से साथ 162 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इधर समान का चिन्ह है, समान चिन्ह है, तो 162 मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इनके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो 1134 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 162 इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू हमको चाहिए है ना, तो इसमें क्या करेंगे अभी इसको काट पीट कर देंगे, दोनों 1134 को 18 के साथ गुणा करके 162 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो सॉरी डिवाइड कर देंगे 162 के साथ, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ दोस्तों, आपके साथ कर देता हूँ। इसमें था हमारा 1134 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 162, ओके जो निकलेगा वो एक्स है ना, तो मैं इसमें काटूंगा, 9 से काटता हूँ, 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 दूनी 18, 9 के 9 और इसमें 5 निकल गया 9 के 9 इसमें से निकल गया, सॉरी 7 बचा 72, फिर 9 अष्ट बहत्तर ये कट गया, फिर 2 से कट गया, 2 के 2 9 18, ओके फिर इसमें इसको काटूँगा, 9 बच गया, इधर एक बचा है, इधर 9 बचा है, तो अभी इसका काम ख़त्म, एक को अभी करूँगा नहीं, ये 9 बचा है, इधर 1134 बचा है, इसको काटूँगा 9 के 9
इधर कटूंगा 9 के 9, इधर 9 चला गया और बच गया 2, और कितना बच गया इधर 2, इधर 23 है, अभी 9 दूनी 18, और 23 से 18 चला गया, कितना बच गया 5, इधर 5 बच गया, इधर 4 बच गया, तो 954, 126, तो एक्स का वैल्यू कितना निकला हमारा, और इधर एक बचा है तो 126 को एक के साथ गुणा करेंगे, वही रहेगा, नीचे भी एक है, एक किसके साथ गुणा हो जाए या एक्स किसके साथ डिवाइड हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका क्या हो जाएगा आंसर, एक्स इक्वल टू 126, ओके, एक्स इक्वल टू 126 हो जाएगा, ओके, इसका ये आंसर हो गया, ओके। और एक क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें करेंगे हम, दोस्तों दिया है, इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, दोस्तों क्वेश्चन एक दिया है, क्वेश्चन दिया है दोस्तों ये वाला, एक खंभा की छाया की लंबाई उस खंभा की ऊंचाई से बराबर है, तो जो एलिवेशन होता है खंभा के लिए लिए वो कितना डिग्री पर रहेगा, मतलब क्वेश्चन है दोस्तों, एक खंभा इधर गढ़ा गया है, ओके, ये खंभा का एक छाया पड़ता है ना, खंभा का छाया इधर सूरज किरण इसके इधर पड़ेगा, तो खंभा का छाया कैसे ऐसे पड़ेगा लंबा, तो बोला है ये खंभा का हाइट जितना है उसका छाया का लंबाई भी सेम है, मतलब ये ओके ऐसे इधर से लिया ए, ये हुआ बी और ये लिया सी, मतलब ए बी जितना है बी सी उतना है, बराबर है, ओके, वो क्वेश्चन ने बोल दिया है, तो ये खंभा के साथ इसका जो एलिवेशन बनेगा, इधर एलिवेशन मतलब इधर एक सीढ़ी रखेंगे, यदि ये सीढ़ी कितना डिग्री पर रहेगा, ओके, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये ट्रिग्नोमेट्री भी हर डिफेंस एग्जाम में पूछने लगाया, ओके, आर्मी हो, जीडी हो, कोई भी हो, पुलिस हो, तो पूछता है दोस्तों, तो इसमें क्या करें हम, अभी तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो दोस्तों पहले बना देते हैं, ये खंभा बना लिया, इसका छाया बना दिया, इधर नाम दिया ए, इधर बी, इधर सी, ए दिया ओके, तो इधर दिया दोस्तों ये कितना डिग्री पर रहेगा, ये जो एलिवेशन या जो सीढ़ी लगाया यहाँ से यहाँ तक, ये कितना डिग्री पर रहेगा दोनों यदि सेम है, तो दोस्तों हम जानते हैं टैन थीटा मतलब दोस्तों इसको ये एंगल को थीटा लिया, ओके, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये लंबाई बाई ये इसको क्या बोलते हैं, ये बेस है ऊंचाई, ओके, इसको बोलेंगे हाइट, हाइट बाई बेस, आपको ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र पढ़ना पड़ेगा, टैन थीटा इक्वल टू हाइट बाई बेस, ओके, तो टैन थीटा इक्वल टू हाइट बाई बेस होता है ना, तो हाइट इधर कितना है, ए बी जितना है ये भी इतना ही, मान लो ये एक है ये भी एक है, हाइट इतना ए 1/1, 1/1 कितना होता है, एक जिसको जिसके एक को जिसको साथ डिवाइड करोगे या गुणा करोगे एक ही रहेगा 1, ओके, तो टैन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है दोस्तों, टैन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, जब टैन थीटा 45 डिग्री एंगल पर रहता है तब तो टैन थीटा इक्वल टू 1 होता है, ओके, तो आंसर होगा कितना डिग्री पर रहेगा दोस्तों, ये 45, ओके, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ए आंसर होगा 45, ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छा लगा ये क्लास करके दोस्तों, पिछले बार भी वीडियो में बनाया था लेकिन बंदे दोस्तों पढ़ते नहीं क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं और स्किप कर लेते हैं, तो बंदों को चाहिए जो तैयारी कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि जॉब फ्री का मिलता है, ओके, हम दौड़ लगा लेंगे, फिजिकल कर लेंगे और आराम से पास हो जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है,
आपको आजकल इंजीनियरिंग करके भी स्टूडेंट ये जॉब के लिए ट्राई करते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ के या कोई अच्छा पढ़ाई करके, ओके, BA BD करके भी डिफेंस लाइन भी आ रहा है, तो उनके साथ आपका कंपटीशन होगा। तो पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तो जो रिटर्न में अच्छा मार्क रखेगा वो निकल जाएगा, आप ऐसे के ऐसे बैठे रहोगे, ओके। तो मेहनत करना पड़ेगा, अभी आप जम के मेहनत करिए, ओके। यदि आपका कोई क्वेश्चन डाउट है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरे को क्वेश्चन ये आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो क्वेश्चन आप देंगे, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलना, जो चैनल में नया है प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।